गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो ट्रेडिंग सेशन था, अगर फर्स्ट कैंडल देखेंगे तो R1 प्रीवियस डे हाई, यहीं से एक रिजेक्शन हुआ, रिजेक्शन के बाद फिर से ये ब्रेक किया ऊपर की ओर, ऊपर की ओर ब्रेक किया तो जैसे जो ओपनिंग लेवल था उसके ऊपर में स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, कॉल साइड में बाइंग का पोजीशन बन रहा था। तो यहाँ पे आप देखोगे कि R2 लेवल तक जाना था लेकिन R2 गया नहीं है। लेकिन अगर हम ऑप्शन प्राइजिंग का चार्ट देखेंगे तो ये ऑप्शन प्राइजिंग का चार्ट है, आप देख सकते हैं एग्जैक्टली R2 लेवल से रिजेक्ट हुआ है। तो जो लोग भी ऑप्शन का प्राइसिंग का चार्ट को पैरेलली लगा के देखते हैं वो यहाँ पे ट्रैप नहीं होते जो बीच से रिवर्सल हुआ है। ये R2 लेवल एग्जैक्टली पहुँच गया था, इन द मनी का जो कॉल है वो एग्जैक्टली R2 लेवल पे गया, वहीं से रिजेक्शन स्टार्ट हुआ है ना। तो जो लोग भी इस रैली में एंटर किए होंगे उनको एक अच्छा मूवमेंट मिला होगा। मेरा खुद का भी एंट्री यहीं पर था और R2 के आसपास ही एग्जिट हुआ था, तो वही है। उसके बाद तो फिर पूरा का पूरा कंजेस्शन ही रहा और ये जो मूवमेंट था ये टफ था पकड़ना, ये मुश्किल था। तो ये तो हो गया आज का एनालिसिस, और कल का देख लेते हैं कल का क्या रहेगा। तो कल भी कंपेरेटिवली नेरो CPR है, बहुत ज़्यादा वाइडर नहीं है। आज का भी नेरो तो है लेकिन फिर भी ये ट्रैप किया है, आज कंसोलिडेट किया है। कल मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है तो कल बड़ा मूवमेंट आएगा है ना। तो कल देखना पड़ेगा किस तरीके से रिएक्ट करेगा। ये जो लेवल है ना R1 प्रीवियस डे हाई, ये अगर हम वीकली CPR में भी देखते हैं ना, तो वीकली CPR में आप देखिए कहाँ से रिजेक्ट हो रहा है बार बार। वीकली CPR के हिसाब से R1 प्रीवियस वीक हाई, इसी पे कल भी यहीं से रिजेक्ट हुआ, आज भी यहीं से रिजेक्ट हुआ। अगर कल फर्स्ट हाफ में ये 1 आवर का कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन बन जाता है तो कल एक शॉर्ट कवरिंग भी मिलेगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। तो मंथली एक्सपायरी है तो पूरा पोजीशन उसके हिसाब से सेटल होगा। तो जो वन वे मूवमेंट आ सकता है ना 250-300 पॉइंट का निफ्टी में, अगर ये R1 प्रीवियस वीक हाई के ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाता है 1 आवर का, तब जाके वो कंडीशन बनेगा कि एक वन वे शॉर्ट कवरिंग आएगा और वो बहुत बड़े लेवल पर जा सकता है। तो कल मंथली एक्सपायरी है तो जो लोग जीरो हीरो करता है वो लोग के लिए भी कल अच्छा दिन रह सकता है, क्योंकि कल हो सकता है कि अगर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देगा तो बहुत बड़ा मूव आ सकता है। मंथली एक्सपायरी है तो पूरा महीने का कॉन्ट्रैक्ट सेटल होगा, महीने का कॉन्ट्रैक्ट सेटल होगा। अगर वो ब्रेक कर देता है R1 प्रीवियस वीक हाई को तो शॉर्ट कवरिंग जो आएगा बहुत फास्ट शॉर्ट कवरिंग आएगा और बहुत बड़ा मूव आ सकता है। तो अगर हम इंट्राडे सेटअप देखेंगे तो इंट्राडे में भी नेरो है और वीकली के हिसाब से भी नेरो है। और वीकली में अगर ये 1 आवर का कैंडल ये R1 प्रीवियस वीक हाई के ऊपर क्लोज हो जाता है कोई भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो ये क्या होगा, वीकली बेसिस पे ट्रेंड रिवर्सल CPR का भी कन्फर्मेशन रहेगा। तो ट्रेंड रिवर्सल CPR का भी कन्फर्मेशन रहेगा, इसीलिए जो मूवमेंट आएगा बहुत बड़ा आएगा। तो कल थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर ये R1 प्रीवियस वीक हाई का लेवल ब्रेक हो जाता है क्लोजिंग बेसिस पे स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ है ना, तो आपको ऊपर की ओर बड़ा टारगेट मिल सकता है। अगर इंट्राडे सेटअप में भी देखें तो जो R1 प्रीवियस डे हाई है यही सेम लेवल है, इसके ऊपर में अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है तो डेफिनेटली इसमें बड़ा मूवमेंट आ सकता है और कल काफ़ी बड़ा मूवमेंट आ सकता है। एक्चुअली आज भी आना चाहिए था लेकिन आज आया नहीं है, ट्रैप कर दिया है। बट कल का श्योर है कि कल मंथली एक्सपायरी है तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट पूरा सेटल होगा तो बहुत बड़ा मूव आना ही है, वो चाहे ऊपर की ओर आए चाहे नीचे की ओर आए, जिस भी डायरेक्शन में आएगा बड़ा मूव आएगा। तो कल का फर्स्ट हाफ देखना पड़ेगा, अगर R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज हो जाता है कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल तो R2 लेवल तो जाएगा ही, R3 R4 भी जा सकता है। कल बैंक निफ्टी में जैसे ये ओपन हुआ, ये डेज ओपन के ऊपर में ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग हुआ, आपका टारगेट R1 प्रीवियस डे हाई था। अब R1 प्रीवियस डे हाई के बाद जब ये R1 प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करता तो R2 का टारगेट था, बट वो R1 प्रीवियस डे हाई तक पहुंचा, उसके बाद पूरा होल्ड डे कंसोलिडेट कर गया। तो बैंक निफ्टी में जो लोग भी इस जोन में ट्रेड किए होंगे पूरा ट्रैप कर दिया, फर्स्ट हाफ में ही जो मूवमेंट मिलना था फर्स्ट हाफ में ही मिला है इसमें। तो यहाँ पे VWAP के ऊपर जैसी क्लोजिंग हुआ है या CPR के ऊपर में आप देख सकते हैं, CPR और डेज ओपन दोनों के लाइन के ऊपर जो क्लोजिंग हुआ है उसमें एंट्री बनता था और ये R1 प्रीवियस डे हाई इस लेवल को टच किया है और यहीं पे फिर पूरा का पूरा होल्ड कंसोलिडेट कर गया है। नेक्स्ट डे का अगर हम देखेंगे तो कल जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा R1 प्रीवियस डे हाई का तो बैंक निफ्टी में भी बड़ा मूवमेंट कल देखने को मिलेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी कंपेरेटिवली नेरो CPR ही है। तो बैंक निफ्टी में कल बड़ा मूवमेंट मिल सकता है क्योंकि ये पूरा का पूरा एक कंसोलिडेशन में रहा है।
कल निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है, तो निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी में भी बड़ा मुंह देखने को मिल सकता है कल। ध्यान ये रखना है कि अगर यहाँ पे बीच में खुलता है तो आज का जो हाई है, प्रीवियस डे हाई, ये इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है। तो R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोजिंग होगा ना, वीक नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोजिंग होगा तो आपको ये तो हो सकता है एक ही कैंडल में पहुँच जाए R2 लेवल, ठीक है। तो बड़ा मूवमेंट मिलेगा, ये आपके लिए मेन रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है कल के लिए। सर हाँ हेलो जी जी जी, वो मैं पूछ रहा था अगर इंडेक्स में नहीं करके सिर्फ ओनली स्टॉक्स में कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, तो वो वन सिंगल एंटिटी है और उसमें कभी साइड लाइक बहुत बार साइडवेज होता है, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल 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 समीर भाई कर सकते हो। और जो परफॉर्मेंस वाइज अगर देखेंगे, जैसे विजय कुमार रंजन जी है, विकास जी है, इनका जो एवरेज प्रॉफिट है वो 5 लाख 4 लाख 5 लाख हर महीने का है। दे आर डूइंग ओनली इन स्टॉक ऑप्शन। जिनको इंडेक्स सूट नहीं करता है या निफ्टी बैंक निफ्टी सूट नहीं करता है, उनको यही सेटअप लगाना है स्टॉक्स में भी। जैसे रिलायंस देख लेते हैं, तो रिलायंस में वाइडर CPR था, वाइडर CPR है तो सीधा छोड़ देने का है। उसके बाद HDFC बैंक देख लेते हैं, HDFC बैंक में भी वाइडर CPR था, छोड़ देने का है ये भी, लेकिन वाइडर CPR होने के बाद भी R1 प्रीवियस डे हाई गया है, एग्जैक्टली वहीं से टच करके वापस आया है। आईसीआईसीआई बैंक में कंपेरेटिवली नेरो CPR था, तो जैसे ही ओपन हुआ ये रीटेस्ट करके ऊपर की ओर ब्रेक किया, तो यहीं पे एंट्री बनता था, ऊपर की ओर मूवमेंट है, तो ये हो सकता है कंटिन्यू कर जाए कल ऊपर की ओर। एक्सिस बैंक का देख लेते हैं, तो एक्सिस बैंक में भी R2 लेवल चला गया, नेरो CPR था तो R2 लेवल पहुँच गया है। SBI में कंसोलिडेट किया है, अगर कल ऊपर की ओर मूव होता है तो इसमें भी मूवमेंट आ जाएगा। इन्फोसिस नीचे की ओर मूवमेंट दिया था, सेटअप के हिसाब से नीचे ही इसमें मूव आया है। TCS में भी सेटअप के हिसाब से पूरा डाउनवर्ड मूवमेंट ही था। L&T में आप देखोगे तो एक्सट्रीमली नेरो CPR था, नेरो CPR था, ओपन हुआ, ओपन होने के बाद जैसे डेज ओपन के लेवल के ऊपर में क्लोज हुआ है, VWAP के ऊपर क्लोज हुआ है, ये हमारा R2 का टारगेट होना था L&T के केस में। तो जो लोग भी स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं सेम सेटअप को यूज़ करना है, सिर्फ ये देखना है जिस भी कंपनी में आप पोजिशन बनाएंगे उसमें नेरो CPR आप जरूर देख लेंगे। नेरो CPR रहेगा तो आपको स्मूथ मूव मिलेगा और मोमेंटम के साथ मिलेगा। वाइडर वाले में क्या है, हो सकता है एक ही कैंडल एकदम से बड़ा बना दे और टारगेट हिट कर दे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा, लेकिन जो नेरो CPR है, नेरो CPR में जो रहेगा उसमें कंटिन्यू मोमेंटम मिलेगा और वो आपके टारगेट लेवल तक जाएगा। तो वैसे ही जिसमें नेरो CPR था, जैसे आज बजाज फाइनेंस में भी देख सकते हैं, ओपन हुआ CPR पे, CPR से जैसी ऊपर में स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोजिंग हुआ R2 R3 लेवल तक गया है ये। तो बजाज फाइनेंस में भी नेरो CPR था, नेक्स्ट डे भी नेरो CPR है। अगर ऊपर की ओर इसमें कल ओपनिंग होता है, ऊपर पॉजिटिव सेटअप बनता है हमारे सेटअप के हिसाब से, तो फिर बजाज फाइनेंस में भी शॉर्ट कवरिंग बढ़ाएगा। टाटा मोटर्स देख लेते हैं, टाटा मोटर्स में कल नेरो CPR बन रहा है, तो टाटा मोटर्स में कल देख लीजिए सेटअप के हिसाब से अगर ऊपर की ओर मूव आता है तो टाटा मोटर्स में भी बड़ा मूव आ सकता है। मंथली एक्सपायरी है, तो मंथली एक्सपायरी में जितने भी स्टॉक्स है सबका एक्सपायरी रहेगा, तो मंथली एक्सपायरी में स्टॉक्स में भी वन वे मूवमेंट आ सकता है। तो स्टॉक्स में जब भी करेंगे अगर सेटअप के साथ मैच कर रहा है, स्टॉक्स में आपको निफ्टी से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ये मैं भी बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि आपके पास चांसेस या अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है ना, इतना सारा अपॉर्चुनिटी है, कोई ना कोई होगा जिसमें नेरो CPR रहेगा और किसी न किसी में आपको सेटअप दिख जाएगा। तो आपको टाइम कितना लगना है, 9:25 से अगर आप 1x1 चेक भी करोगे तो पूरी कंपनी को चेक करने में आपको 5 से 7 मिनट लगेगा और 9:30-9:35 तक आपका सारा चीज़ चेक हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर कंप्लीट लर्निंग यू कैन ज्वाइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।